हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 887 में है। फोर्थ क्वार्टर Q4 ऑफ 2023 का रिजल्ट आने वाला था तो अपडेट आ गया है, तो नतीजों को चेक करते हैं। साथ में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है, जिनके पास आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक रहेगा और आगे आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस अपडेट को देखते हैं, नतीजों को चेक करते हैं, इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस एंड पेज, नेट एंड पेज और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। शेयर प्राइस 887 में है। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक के चौथी तिमाही Q4 2023 के नतीजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं, अब नतीजों की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ये स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है और 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में Q4 FY23 में जो इंटरेस्ट इनकम है 31,021 करोड़ का है, 31,021 करोड़ का आया है, और दिसंबर के क्वार्टर में 28,505 करोड़ का था, एक साल पहले 22,674 करोड़ का था। तो सालाना तो देखिए, जो साल भर पहले था उसके हिसाब से देखो जबरदस्त उछाल आया है। 31,021 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है और 28,505 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था, तो इससे भी बढ़कर आया। और अदर इनकम जो होते हैं बैंक के, देखिए जो अदर इनकम है उसको अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम है 36,108 करोड़ का है और दिसंबर क्वार्टर में 33,529 करोड़ का था, एक साल पहले 27,412 करोड़ का। तो अब की बार 36,108 करोड़ का अदर इनकम है। और आगे की तरफ चलते हैं, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो एक्सपेंसेस है उसको देख लेते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 22,282 करोड़ का है अब की बार, और टोटल इनकम जैसे कि 36,108 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, 13,826 करोड़ का है, 13,826 करोड़ का अब की बार, और दिसंबर के क्वार्टर में 13,271 करोड़ का था, एक साल पहले 10,292 करोड़ का था। अब देखिए जो प्रोविजन है अब की बार 1,619 करोड़ का है, 1,619 करोड़ का है, और इससे पहले 2,257 करोड़ का था, एक साल पहले 1,068 करोड़ का था। अब ये घट गया, अब ये बढ़ गया है, अब बढ़कर आया है अब की बार 1,619 करोड़ का है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रोविजन प्रावधान वो कम हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, बट सालाना एक तरह से बढ़ा है प्रावधान प्रोविजन। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए जो नेट प्रॉफिट है आईसीआईसीआई बैंक का वो है 9,121 करोड़ का, 9,121 करोड़ का आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट है, और दिसंबर के क्वार्टर में 8,311 करोड़ का था, एक साल पहले 7,018 करोड़ का था। तो अब की बार का जो नेट प्रॉफिट आया 9,121 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ये बढ़कर आया है, जबरदस्त प्रॉफिट आया है आईसीआईसीआई बैंक को। और देखिए आगे की तरफ चलते हैं, हम ग्रॉस एनपीए जो नेट एनपीए की बात करते हैं, एसेट क्वालिटी में क्या रहा है अब की बार उसको चेक कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं परसेंटेज में 2.81% है, और दिसंबर के क्वार्टर में 3.07% था, एक साल पहले 3.60% था। तो 2.81% हो गया है ग्रॉस एनपीए, घटा है ये आईसीआईसीआई बैंक का। नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.48% है, 0.48% है, और दिसंबर के क्वार्टर में 0.55% था और एक साल पहले 0.76% था। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एंड पेज, नेट एंड पेज। अब अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करते हैं, 13.07 का है, 13.07 का अर्निंग पर शेयर है अब की बार, और Q2 में और दिसंबर के क्वार्टर में 11.92 का था, एक साल पहले 10.10 का। तो आईसीआईसीआई बैंक ने चौथी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं, जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट आया है 9,121 करोड़ का रहा है, 9,121 करोड़ का रहा है, और टोटल इनकम
36,108 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 13,826 करोड़ का। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं, जो डिविडेंड का अपडेट आया है आईसीआईसीआई बैंक का उसको देख लेते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है तो 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है आईसीआईसीआई बैंक। 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा, जो रिकमेंड किया है आईसीआईसीआई बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और 100 शेयर हैं या 1 है, 8 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। और तो ये नतीजे और डिविडेंड का अपडेट है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। 887 में स्टॉक प्राइस है आईसीआईसीआई बैंक का। इसका 52 वीक हाई है 958 का है और 52 वीक लो है 669 का। और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, नतीजे भी अच्छे हैं। तो हमारे अनुसार जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं होल्ड करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, अगर स्टॉक में जंप आता है ऊपर की तरफ जाता है अपने 52 वीक हाई को अगर ब्रेक करेगा तो अपने अनुसार देखना चाहिए हमको करना क्या है। और आने वाले समय में आईसीआईसीआई बैंक 1000 को भी क्रॉस करेगा और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा इसका, देखिए 817 और 800 का सपोर्ट रहेगा। इसके ऊपर स्टॉक है, स्टॉक प्राइस है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है। नतीजे अच्छे हैं तो जंप आता हुआ नज़र आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड देना चाहिए। बैंक ने डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को और स्टॉक 1000 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे, डिविडेंड और शेयर प्राइस का अपडेट था। आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है 6,18,490 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 222 का। तो अपना मान के चले कि 4 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.56 का। तो डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा। और अर्निंग पर शेयर है 46 का। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो 166% का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। 1 साल का रिटर्न 16% का है, 3 महीने का रिटर्न आसपास ही है 1.76% का। तो पिछले 3 साल से तो जो जिन्होंने रखा है 166% का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक का Q4 का रिजल्ट का अपडेट था और बैंक ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है। आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। शेयर प्राइस 887 में है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।